तेल हल्का ठंडा हो गया है, ज्यादा गर्म में भी नहीं डालना है, ज्यादा एकदम ठंडे में भी नहीं, हल्का ठंडा हो गया है। इसमें डाल देती हूँ मैं थोड़ा सा अजवाइन, तेल गर्म है अभी वैसे। इसमें मैंने मिर्ची डाल दी है, मिर्ची तो मैंने डाल दी है, हरी मिर्ची। मसाला मैंने डाल दिया है, ये थोड़ा इसको हिलाना पड़ेगा। और थोड़ी और ये मसाला, ये कस्तूरी क्या नाम है इसका, ये कश्मीरी लाल मिर्च है। थोड़ा मैंने नमक डाला है, थोड़ा हल्दी डाला है, और ये थोड़ा सौंफ डाला है, थोड़ा हल्का सा धनिया पाउडर, क्योंकि धनिया तो मैंने डाल रखा है ना, डालने की जरूरत नहीं है। सारा मैंने इसमें डाल दिया है। और ये है आंवले, अब डालेंगे आंवले। सब चीज का मिश्रण हमने कर दिया, देखो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। ये अभी भी खा सकते हो इसको, अभी भी खाने के लायक बन गया है। देखो पूरा मसाला, पूरा तेल, सारा कुछ फिनिश। अगर मसाला इसमें, तेल मसाला कुछ भी बचेगा तो इसमें हम इसके ख़त्म होने पे, जो अचार है इसके ख़त्म होने पे हम दूसरा फिर इसमें रिटर्न डाल सकते हैं। अगर फिर हम नहीं डालेंगे अचार उचार दोबारा, तो हम इसको दाल और सब्जी में यूज कर सकते हैं अगर तेल बचेगा तो। अब डालते हैं हम इसको बर्तन में, या तो रखेंगे हम चीनी मिट्टी के जार में, या तो रखेंगे हम कांच के बर्तन में, या तो रखेंगे प्लास्टिक के बर्तन में, किसी भी बोतल में रख दो इसको, धूप में सुखाओ और सालों साल चलेगा, आराम से खाओ। ये चलिए सबसे पहले करते हैं हम शुरुआत इधर मिर्ची धुलने से। मिर्ची हम धुल देंगे, फिर मिर्ची धुलने के बाद हम इनको धुलेंगे। तो मिर्ची धो लेते हैं पहले अच्छे से। ये मिर्ची हम धो दिए हैं, दो तीन पानी से क्लीन कर दिया, तो आंवला भी एकदम से क्लीन हो गया है दोस्तों। और आंवले रख दिए हमने गैस में, इसमें डाल दिया पानी, 15-20 मिनट के लिए रख देते हैं इसको। गैस कर दिया है मैंने ऑन, तब तक तोड़ती हूँ मैं ये मिर्ची के डंठलों को। ऐसे ऐसे ही तोड़ सकते हैं, ऐसे भी तोड़ सकते हैं, जैसे मर्जी उसे तोड़ो, तो धुलने के बाद ही तोड़ना है इनको ना। मिर्ची भी थोड़ी है मेरे पास, और ये आंवला है ये भी कम ही है, कम ही लेके आई मैं अचार के पर्पज़ से नहीं लाई थी, मैं खाने के पर्पज़ से लाई थी, फिर मैं बोली ख़राब हो रहे हैं ये, इसी इससे बढ़िया मैं अचार ही डाल देती हूँ इससे, इसका जो भी है। मैंने इनका डंठल हटा दिया है, अब इनको मैं यहाँ से कुछ, ये मिर्ची काफ़ी दिन हो गई, इसको थोड़ा लाल भी हो गया है, तो ये बीज से काटूंगी मैं इनको, खाली ऐसे बीज से काटूंगी, ताकि तेल में डालने से इधर उधर ना छटके ना, खाली ऐसे बीज से काट दूंगी इनको, बीज से सारे ऐसे ऐसे थोड़ा हल्का सा बीज से चीरा लगा दूंगी इसका, काटूंगी मैं। काफ़ी लोग क्या है काट देते हैं ना, जैसे अलग अलग ऐसे कर देते हैं काफ़ी ऐसे, तो मैं ऐसे नहीं काटूंगी, मैं इसको खाली बीच से काटूंगी। इनको काटते काटते बीच में थोड़ा मैं उसको चेक भी करना है ना, क्योंकि ज़्यादा गलने भी नहीं चाहिए ना आंवले, ज़्यादा गले हुए फिर उसका अचार भी अच्छा नहीं बनता है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं चाहिए, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट चाहिए। चलो मिर्ची भी मैंने, मिर्चियों का काम भी फिनिश, ये फाड़ दिया मैंने बीच से, निकाल दिया इसका बीच से, काटी है मैंने, बाकी नहीं है। और इनको भी कर लेते हैं फिर से चेक, मैंने एक बार चेक करके गई थी, ये भी हो ही गए हैं, ज़्यादा नहीं गलाना है इनको, हो गया है। मैंने बीच में नमक भी डाल दिया था, मैं बोलना आप लोगों को बताना भूल गई थी। इसको कर दिया है हमने बंद, इसका पानी हटा देते हैं। पानी मैंने इसका हटा दिया है, और जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम आजा फटाफट, अबे एक ही बंदा जा रहा है, ओ दे ओ दे ओ दे पीछे पीछे कुछ
तब तक हम कढ़ाई में डाल देते हैं तेल। तेल हमने डाल दिया है, जब तक ये तेल होता है गरम तब तक हम इस मसाले का करते हैं। इस मसाले में मैंने ये सरसों डाला है, ये थोड़ा सा मैंने धनिया डाला है, ये मेथी है और ये है लौंजी काला जीरा, और इन सबको मैंने छांट के रखा है। मैंने 15 से लेकर 20, 25, 30 तक ग्राम तक डाला है मैंने। जैसे ये 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम ऐसे करके डाला है मैंने। इसको मैं तब तक मिक्सी में पीस लेती हूँ। तब तक हम इसको सारे मिश्रण को मिक्सी में पीस लेते हैं। मोटा मोटा दरदरा पीसना है इसको, एकदम बारीक नहीं पीसना है। तेल होता रहेगा तब तक गरम। मसाला डाल दिया है मैंने के जार में, अब मैं इसको पीस लेती हूँ। मैंने ये मसाले को भुना नहीं है क्योंकि गरम तेल में इसको फ्राई करेंगे। मसाला मैंने दरदरा पीस लिया है, तेल भी हो रहा है हमारा गरम। थोड़ा और टाइम लगेगा इस पर, बाकी नहीं, बाकी वैसे हो गया है। तेल हो गया है हमारा गरम, मैं इसको भी कर देती हूँ बंद। ये जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद। बाकी गाइस आपने देख ही लिया है, तेल गरम हो गया था उसके बाद मैंने कैसे बनाया। मैंने उसको फर्स्ट में डाला है और ये मैंने भर दिया है बोतल में। बोतल को रखूँगी मैं अब धूप में। बाकी बाय बाय, नमस्कार। ऐसे मेरे वीडियो को देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।